पूरे देश में यूपीएससी और आईआईटी की परीक्षा को सबसे मुश्किल माना जाता है। इसके साथ इन परीक्षाओं में आने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही काफी कठिन काम है, जिसमें बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वृंदावन का रहने वाला एक 7 साल का बच्चा ऐसा है जो ना सिर्फ यूपीएससी और आईआईटी में आने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ता है बल्कि उनको एस्पिरेंट्स को पढ़ाता भी है। आइए इस बच्चे के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से जानते हैं। वृंदावन स्थित गोरन नगर कॉलोनी के रहने वाले गुरु उपाध्याय, जिनको पूरी दुनिया गूगल गुरु के नाम से जानती है, उनकी उम्र सिर्फ 7 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इनकी प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े हैरान हैं। इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र के लेक्चरर के रूप में दर्ज करा लिया है। 18 महीने की उम्र से प्रतिभा दिखनी हुई थी शुरू। गुरु उपाध्याय के पिता अरविंद उपाध्याय ने बताया कि घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल रहता था, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करते थे। इन बातों को गुरु हमेशा ही बड़े ध्यान से सुनता था। जब एक दिन किसी न्यूज चैनल पर बांग्लादेश की खबर दिखाई जा रही थी, तब गुरु ने वहां की राजधानी और उससे जुड़ी कई अन्य चीजों के बारे में बताना शुरू किया। तब गुरु की उम्र सिर्फ 18 महीने की थी और तब उनके हुनर का परिवार के लोगों को पता चला। गुरु के नाम के पीछे की कहानी। गुरु के पिता अरविंद उपाध्याय ने आगे बताया कि गुरु का नाम गुरु रखने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। गुरु का नाम अरविंद के बड़े भाई ने यह सोच कर रखा था कि जैसा जिसका नाम होता है वो वैसा ही आगे जाकर काम करता है, इसलिए अपने ताऊ के दिए नाम का मतलब गुरु ने बखूबी निभाया। 14 अलग अलग विषयों का है गुरु को ज्ञान। इसके बाद गुरु ने एक से बढ़कर एक कारनामे करने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 साल की उम्र में पूरे 2 साल का करंट अफेयर, यूपीएससी प्रीलिम्स प्रश्न पत्र याद कर डाला। इसके अलावा गुरु ने कई जटिल विषयों को 5 साल की उम्र से पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिन टॉपिक्स को गुरु पढ़ाते भी हैं। जब उन्हें आपस में समहित किया गया तो पता चला उन्हें यूपीएससी के 14 सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, जिन्हें वो पढ़ा भी सकते हैं, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहते हैं वैज्ञानिक। दोस्तों इतना ही नहीं, गुरु उपाध्याय ने पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हुए हैं। इसके साथ ही गुरु को देश विदेश में कई जगहों पर गेस्ट लेक्चर के रूप में भी बुलाया जाता है। गुरु ने बताया कि वह बड़े होकर अपने आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके उनमें कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।